मैं चिंतराम शास्त्री सन 2017 में जुलाई महीने में सेवानिवृत्त हुआ और मैं शास्त्री के पद पर था। सेवानिवृत्त होने के बाद कई मुश्किलातों का मुझे सामना करना पड़ा और अपनी जो व्यवस्थाएं होती थी उसमें भी काफी दिक्कतें आई, परंतु आज जो है एक सपना साकार हुआ। साकार सपना हुआ हमारे माननीय जो लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सम्माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके प्रयास से जो आज पूरे हिमाचल प्रदेश में वो एक पेंशन के मसीहा माने जाएंगे और जो ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया और इसको उन्होंने अमलीजामा पहनाया, मैं इसके लिए और मेरे सभी कर्मचारी भाई सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है उनका तहे दिल से बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज मैंने देखा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, चाहे वो आपदा की बात है, चाहे विकास की बात है, चाहे स्वास्थ्य की बात है, चाहे शिक्षा की बात है, चाहे बेरोजगारी की बात है, या चाहे दूसरी जो भी हमारी मूलभूत सुविधाओं की बात है, उसको आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बखूबी निभा रहे हैं और ऐसा आज तक नहीं हुआ। जितना कार्यशैली इनकी है ऐसा हमने भी नहीं देखा अपनी उम्र में। इनका कार्य करने का ढंग जो है बहुत ही एक नेक है और एक ईमानदारी के साथ एक कार्य करते हैं। आज हम हिमाचल में जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है, ये एक ऐसा निर्णय इन्होंने लिया कि जब आदमी काम करने से शारीरिक रूप से थोड़ी उसमें दिक्कत आती है और आदमी जो है काम करने के लायक थोड़ा कम होता है, क्योंकि काफी जो है जो स्टेज होती है आदमी की, तो अब जो इन्होंने निर्णय लिया, हम चाहते हैं कि हमारी ही उम्र इनको लगे और ये युगों युगों तक जो है याद किए जाएंगे। और आज जो आने वाले विषय में हम ईश्वर से कामना करते हैं कि भगवान इनको इतनी शक्ति दे कि आगे बढ़ते हुए ये हिमाचल को चार चांद लगाएंगे, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। आज जितने भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और दूसरे कर्मचारी नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष मान हमारे आदरणीय प्रदीप ठाकुर जी और उनके अन्य कर्मचारी नेताओं ने अथक प्रयत्न किया और उस बात को हमारे मुख्यमंत्री ने माना और आभार रैली को जो उन्होंने समय दिया हमारे धर्मशाला, हम उस दिन बड़े गदगद हुए और मैं प्रदीप ठाकुर जी का भी इसमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं कि हमारे एजी के कर्मचारी, हमारे दूसरे कर्मचारी और हमारे सेक्रेटरी जिन्होंने की मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इसको अमली जामा पहनाया और कार्य रूप दिया, जिसका मैं एक प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि भगवान हमारे मुख्यमंत्री को चार गुना शक्ति दे और ये हिमाचल प्रदेश की जो एक तस्वीर जो है आगे लाने जा रहे हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं। आप जिस भी क्षेत्र में देखते हैं आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो किसी भी क्षेत्र में किसी को भी किसी चीज से वंचित नहीं करते हैं। भगवान इनको शक्ति दे और हमारी भी इनको उम्र लगे और इसी तरह हिमाचल का निर्माण और प्रगति करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी जो हमारे दूसरे सरकार के काबिना के आदमी हैं और दूसरे आदमी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने कैबिनेट में फैसला लिया। मैं आज सब काबिना के आदमी को के मंत्रियों की भी इसमें जो है उनका धन्यवाद करता हूं और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी और जितने सेक्रेटरी है और एजी ऑफिस के जितने भी हमारे कर्मचारी और अधिकारी है, मैं पुनः उनका जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ और पुनः जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और सत सत बार कोटि कोटि बार उनको मैं आज नमन कर रहा हूँ। हम तो चाहते हैं कि मैं उनके चरणों का पानी पीऊं और उन्होंने जो आज ये निर्णय लिया इसे हमारे लाखों परिवारों को जो है एक नई जिंदगी की एक किरण मिली और इस उम्र में जो है इन्होंने हमें प्रफुल्लित किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिमाचल। जय हमारी कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद।